हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर व्हिच इज अबाउट थ्योरी ऑफ सप्लाई, लेक्चर नंबर टू। सो इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज सप्लाई एंड व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। नाउ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, what is the change in quantity supply? Okay, see, a change in quantity supplied is a movement along the supply curve in response to a change in price. According to the graph, you can see that in the horizontal axis we have measured quantity supplied and in the vertical axis we have measured price. ठीक है, दिस वन हॉरिजेंटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। अच्छा, अब देखिए कि इसमें क्या बात हो रही है, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, क्योंकि प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज आ रहा है। ठीक है, प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज आ रहा है तो इसको क्या कहते हैं कि मूवमेंट अलोंग द कर्व। प्राइस यहाँ पे कोई होगी, प्राइस फॉर एग्जाम्पल टू, ठीक, टू पे हम फॉर एग्जाम्पल फोर एप्पल्स ले रहे हैं, प्राइस बढ़ी, ठीक, टू से फोर हुई तो हमने एप्पल्स बढ़ा दिए, सिक्स लेना शुरू कर दिए, फिर प्राइस बढ़ी तो हमने क्या किया, एट एप्पल लेना शुरू कर दिया। मीन्स के जैसे जैसे सिक्स, जैसे जैसे हमारी प्राइस बढ़ेगी हमारी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे किसके एक्सपेक्ट से बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर के। डिमांड में हम किसके एक्सपेक्ट से बात कर रहे थे, कंज्यूमर के, यहाँ पे हम प्रोड्यूसर के एक्सपेक्ट से बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आ गई होगी आई होप आपको। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर लेते हैं और उसको देख लेते हैं, अब देखिए वहाँ पे मैंने बताया कि मूवमेंट अलोंग द कर्व होती है। अब देखें, चेंजेस अलॉन्ग सप्लाई कर्व आर कॉज्ड बाय चेंज इन प्राइस, जो मैंने बताया है कि प्रीवियस स्लाइड में भी, कि जब भी हमारे चेंजेस ए टू बी में आएगी वो हमेशा जो है वो किसकी वजह से आएगी, प्राइस की वजह से आएगी। ठीक है, मूवमेंट हो रही है हमारी ए टू बी से, हम एक ही ग्राफ पे हैं, एक ही कर्व पे हैं। ठीक है, हमारा जो कर्व चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो जब भी हम एक ही कर्व पर रहेंगे, हमारे एक ही कर्व से मूवमेंट होगी, तो वो क्या कहलवाएगी, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए पे हमारी, हम इतनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे, लेट्स से फोर। ठीक है, जैसी प्राइस बढ़ी टू से फोर पे हुई तो हमने ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करना शुरू कर दी। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस आपकी इंक्रीज होगी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। यहाँ पे आप देखें, प्राइस आपकी इंक्रीज हो रही है तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जबकि डिमांड में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे आपकी प्राइस इंक्रीज होगी आपकी क्वांटिटी, डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे क्या था, इनवर्स रिलेशन था, और यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है कि एक चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज भी इंक्रीज होगी। दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई क्या बता रही है हमें, अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम ए टू सी, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम ए टू सी इज द कॉज बाय फैक्टर देन प्राइस ऑफ द गुड एंड रिजल्ट्स इन अ डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाइड एट ईच प्राइस। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे प्राइस क्या है, कॉन्स्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल 10। ठीक है, 10 पे हम जो है वो पहले हम जो थे वो ले रहे थे 4 एप्पल्स, 10 पे ही हम जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं 6 एप्पल्स, पहले हम 4 एप्पल प्रोड्यूस कर रहे थे 10 पे, अब हम 10 पे ही 6 एप्पल्स प्रोड्यूस करें। आप देखें ए टू सी जो है हमारा शिफ्ट हो गया सप्लाई में, मतलब हमारी सप्लाई इंक्रीज हो गई है। ठीक है, प्रोड्यूसर के कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब पहले हम मैं फॉर एग्जांपल आप समझ लें, आप एक प्रोड्यूसर हैं या आप
कोई भी चीज़ बेचते हैं, ठीक है। तो आपने पहले चार चार जो है एप्पल दे रहे थे, यहाँ पे एप्पल्स हमने लिए हैं इसलिए हमें एप्पल की एग्जांपल दे रही हूँ। पहले हम 10 रुपए में चार एप्पल जो है सप्लाई कर रहे थे, तो लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से प्राइस कांस्टेंट है, हम अब 6 एप्पल जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, अदर फैक्टर्स क्या हैं, वो सप्लाई पे क्यों इतना असर करते हैं जिसकी वजह से हमारा करप्शन भी आता है, वो हम देख लेते हैं अभी आगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई पे जो है अफेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ प्राइस कॉन्स्टेंट है, ठीक है, अदर फैक्टर्स वेरिएबल हैं, ठीक है, प्राइस इज कॉन्स्टेंट हेयर, ठीक है। ये जो है बारी कॉन्स्टेंट का शो कर रहा है कि प्राइस चेंज नहीं हो रही है, अदर फैक्टर्स की वजह से आपका सप्लाई कर्व या तो फिर जो है राइट पर शिफ्ट करेगा या फिर लेफ्ट पर शिफ्ट करेगा, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, ठीक है, हम अदर फैक्टर्स पे बात कर लेते हैं, अदर फैक्टर्स की वजह से हमारा सप्लाई कर्व कैसे शिफ्ट करता है, ठीक है। अब फर्स्ट ये है इनपुट प्राइसेस, ठीक है, इनपुट प्राइसेस की वजह से हमारा जो है सप्लाई कर्व किस तरीके से शिफ्ट कर लेता है वो हम देख लेते हैं, ठीक। आपका ये सप्लाई कर्व है, ठीक है, यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं क्वांटिटी सप्लाई और यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं प्राइस, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब इनपुट प्राइसेस क्या हैं, फॉर एग्जांपल एक आप बर्गर बना रहे हैं, ठीक है, आपका ये सप्लाई कर्व है, कोई भी रेस्टोरेंट जो आपका फेवरेट है, या आप अपनी एग्जांपल ले लें, आप बर्गर बना रहे हैं 500 की प्राइस पे बर्गर आप दे रहे हैं 6, ठीक। अच्छा देखें, अब बर्गर में क्या डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जैसे कि बन, मीट, लेटस, टोमेटोस, बारबेक्यू सॉस एंड सो ऑन, ठीक। अब एक बर्गर तब जाके बनता है ये सारे इंग्रेडिएंट यूज होते हैं। अब जैसे ही इसको हमने नाम दे दिया S1, अब देखें जैसे ही आपकी मीट की प्राइस इंक्रीज हुई, ठीक है, मीट की प्राइस इंक्रीज हुई तो आपकी क्या हुई, बर्गर आपको महंगा पड़ रहा है, आपकी कॉस्ट बर्गर की इंक्रीज हो गई, ठीक है। मैंने आपको कॉस्ट कब समझाया था, ठीक है, यहाँ पे हम कॉस्ट मेजर कर रहे थे, यहाँ पे हम क्वांटिटी मेजर कर रहे थे, ठीक है। कॉस्ट कब, ऐसे जैसे जैसे आप क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है, आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो रही थी, ठीक। अच्छा, अब जब भी आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है आपकी बर्गर बनाने में, ठीक है, आपको वो बर्गर महंगा पड़ रहा है, तो आपका क्या हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, कॉस्ट आपकी जैसे इंक्रीज होगी आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, अब बर्गर की प्राइस जो है थी, अब वो आपने सेम रखी हुई, आप एकदम से बर्गर की प्राइस नहीं बढ़ा सकते, तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, देखें, फिर अब जो प्रोड्यूसर था उस वो अब जो है आप जैसे बर्गर बना रहे हैं, तो आपने क्या सोचा कि भाई आपको बहुत महंगे बर्गर पड़ रहे हैं, तो आपको जितना ही बजट है उसमें आप बहुत कम बर्गर बना पा रहे हैं। पहले आप ज़्यादा बना पा रहे थे क्योंकि मीट की प्राइसेस बढ़ी नहीं थी, लेकिन मीट की प्राइसेस बढ़ने की वजह से, गोश्त की प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो है आप जो है बर्गर पर इतना फोकस नहीं करेंगे, आप दूसरी चीज़ की तरफ, डिशेज हैं जो भी, वो उसी तरफ स्विच कर जाएंगे कि आप वो ज़्यादा फोकस करेंगे, उनको ज़्यादा बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि बर्गर की जो है वो सप्लाई आप कम कर देंगे। जैसे ही आप बर्गर की सप्लाई कम करेंगे तो आपका कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, S2 पे आ गए आप, ठीक है। ये आपकी प्राइस की वजह से नहीं फर्क आया, आप किसकी वजह फर्क आया, अदर फैक्टर की वजह से, इनपुट की वजह से, कि अदर ओवरऑल बर्गर की प्राइस सेम है, आपका एक इनपुट जो बर्गर में यूज होता था वो उसकी प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है, आपके ओवरऑल बर्गर कम बनाना शुरू कर दिया आपने, क्योंकि आपका प्रॉफिट कम हो गया था, तो इसलिए आपका कर्व जो है शिफ्ट हो गया, ठीक। अच्छा, अब सेकंड जो है फैक्टर है वो देख लेते हैं, वो क्या है। अब आप देखें सेकंड फैक्टर क्या है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। आप टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की वजह से आपका सप्लाई कर्व किस तरह से शिफ्ट होता है वो भी देख लीजिए आप। यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं क्वांटिटी सप्लाई, यहाँ पे प्राइस, हम बर्गर की एग्जांपल लेके आगे चलेंगे, ठीक है। आप जो है वो सिर्फ बर्गर प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई भी रेस्टोरेंट, तो 500 प्राइस पे, ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ, इफ अ न्यू मेथड ऑफ टेक्निक प्रोडक्शन इज डेवलप्ड, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच गुड डिक्लाइंस एंड प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई मोर एट ईच प्राइस, शिफ्टिंग द सप्लाई कर्व टू द राइट। अब देखें, अब मैंने आपको बताया था, ठीक है, यहाँ पे हम कॉस्ट, यहाँ पे क्वांटिटी, कॉस्ट कर्व, ठीक। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी
आपकी कॉस्ट डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिनिमाइज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब क्या हो रहा है, आपने स्किलफुल लेबर हायर कर लिए जो बर्गर बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं, कम टाइम पे बना रहे हैं। पहले आपका जो लेबर था वो जो है 10 बर्गर फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे में बनाता था, ठीक है। अब आपने कोई स्किलफुल लेबर हायर कर लिया, कोई न्यू टेक्निक, कोई न्यू मशीनरी ले ली, ठीक है, जो प्याज वगैरह काटती जल्दी जल्दी या सॉसेज जल्दी जल्दी बनाती है, ठीक है। तो अब वही जो 10 बर्गर 1 घंटे बन रहे थे वो 10 बर्गर अब बनने लग गए 30 मिनट्स में, ठीक है। और आपको अब लेबर भी कम चाहिए, पहले जो है प्याज काटने के लिए आपने अलग लेबर हायर किया हुआ था, सॉसेज बनाने के लिए अलग लेबर हायर किया हुआ था, अब एक ही लेबर में आपका काम हो रहा है, ठीक है। तो आपकी कॉस्ट क्या हो गई, मिनिमाइज हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई आपकी, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ रही है, कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ रही है और कॉस्ट क्या हो रही है आपकी, मिनिमाइज हो रही है। तो उससे क्या होगा, आप जो है पहले 6 बर्गर बना रहे थे, जाहिर सी बात है अब आप क्या करेंगे, ज़्यादा बर्गर बनाएंगे, प्राइस सेम है लेकिन बर्गर ज़्यादा होगा। पहले आपका कर्व क्या था, ये था, पहले आपका कर्व S1 था, लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी की वजह से, न्यू टेक्निक की वजह से आपका कर्व शिफ्ट हो गया और आप किस पे आ गए, S2 पे आ गए, आपका कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये आपकी सप्लाई इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये एक अदर फैक्टर है, प्राइस आपकी बर्गर की सेम है, अगेन मैं बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, प्राइस कॉन्स्टेंट है, लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से जब भी सप्लाई में चेंज आएगा तो इट मीन्स के जो है प्राइस कॉन्स्टेंट थी आपकी, लेकिन अदर फैक्टर्स जो है वो सप्लाई को अफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपका सप्लाई का शिफ्ट हो, ठीक। अच्छा अब क्या है, थर्ड है नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक। अब देखें बर्गर की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अब देखें पहले आपका सप्लाई कर्व क्या था, 500 थे, 6 बर्गर थे, क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस 6 बर्गर थे 500 प्राइस, क्या 500 प्राइस। अच्छा अब क्या हुआ भाई, आपके दोस्त ने देखा कि आपका तो कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है, उन्होंने कहा भाई हम भी करते हैं इन्वेस्टमेंट, हम भी कारोबार करते हैं। पहले आप एक ही सेलर हैं मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल आप ही बर्गर प्रोड्यूस कर रहे हैं, या सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल करंगी में, कराची में एक ही, करंगी के एरिया में सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है जो 6 बर्गर प्रोड्यूस कर रहा है, तो भाई आपके दोस्त ने देखा भाई ये तो बड़ा अच्छा काम है, हमें भी करना चाहिए, तो सही है। तो उसने क्या किया, नंबर ऑफ सेलर इंक्रीज होने की वजह से आपके दोस्त मार्केट में आ गए और उन्होंने बोला कि हम भी प्रोड्यूस करते हैं, क्या हो गया, कराची में बर्गर पहले 6 मिल रहे थे अब 8 मिलने लग गए, सप्लाई बढ़ने की वजह से आपका कर्व S2 पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख ले, मैंने एग्जाम्पल दिया, टू गिव एन एग्जाम्पल लेट्स से देयर इज ओनली वन बर्गर रेस्टोरेंट इन द इंटायर इकोनॉमी, एक ही बर्गर का रेस्टोरेंट है, वी विल कॉल इट फर्स्ट बर्गर, फर्स्ट बर्गर के नाम से आपने दुकान खोली भी है, डिमांड फॉर बर्गर इज हाई, ठीक है, सो द फर्स्ट बर्गर ऑलरेडी प्रोड्यूस एज मैनी बर्गर एज पॉसिबल, एक ही जाहिर सी बात है रेस्टोरेंट है, सारे कस्टमर्स वहीं पर आ रहे हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, आप बर्गर बना रहे हैं जितना बना सकते हैं, ठीक है। फिर द टोटल सप्लाई ऑफ बर्गर इन द इकोनॉमी इज इक्वल टू द फर्स्ट बर्गर सप्लाई, आप जितने बना सकते हैं, फर्स्ट बर्गर नाम है आपकी दुकान का, आप बना रहे हैं, अब दूसरा बर्गर जो है वो खुल जाता है आपको देख देख के, आपके दोस्त ने भी रेस्टोरेंट खोल लिया ये, ठीक है। अब दिस रिजल्ट एन इंक्रीज इन द टोटल सप्लाई, पहले 6 बर्गर बन रहे थे पूरे कराची में या कोरंगी में, अब दूसरा बर्गर खुलने की वजह से 8 बर्गर बनना शुरू हो गए, ठीक है, क्या हो गया, सप्लाई इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो क्या होगा, ये सप्लाई आपकी इंक्रीज हो जाएगी ज़्यादा बर्गर की वजह से, क्योंकि प्राइस तो बिल्कुल सेम है 500 ही है, ठीक है, वो उन्होंने भी 500 पे, लेकिन बर्गर कराची में क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सेलर इंक्रीज हो गए, तो इसकी वजह से आपका सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। अच्छा अब थर्ड फैक्टर क्या है वो भी देख लेते हैं हम, थर्ड फैक्टर आपका है, अच्छा जी फोर्थ फैक्टर आपका क्या है, टैक्सेस एंड सब्सिडीज, ठीक। अच्छा इसमें आप दो ग्राफ के जरिए मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है। अच्छा अब देखें टैक्सेस की पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है, आपका जो था सप्लाई ये थी आपकी, ठीक है, यहाँ पे हम क्या प्राइस है आपकी, यहाँ पे है आपकी क्वांटिटी सप्लाई, बर्गर आपसे को वही एग्जांपल लेके चल रही हूँ 500 की प्राइस पे, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने देखा कि भाई आपका कारोबार बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक,
तो गवर्नमेंट वाले आए, आप गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की, भाई जो 6 बर्गर्स प्रोड्यूस कर रहा है उस पर टैक्स लगेगा, ठीक। तो आप पे टैक्स लगा दिया, ठीक है, ₹20 पर बर्गर, ठीक। तो आपने क्या बोला, पर बर्गर, अब और गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जो 5 से कम बर्गर बना रहा है ना उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो 5 से जो कम बर्गर बना रहा है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो 6 बर्गर बना रहा है या 6 से ज़्यादा बना रहा है उस पर टैक्स लगेगा। तो आपने क्या बोल कहा, आपने टैक्स से बचने के लिए, क्योंकि आपको आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, आपने टैक्स से बचने के लिए क्या किया, आपने कहा कि भाई मैं कम बर्गर बना रहा हूँ, 5 से कम बनाना शुरू कर दिया आपने बर्गर, ठीक है। आपने 4 बर्गर बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। आप देखें आपका जो है प्राइस सेम थी, पहले आप ये बर्गर बना रहे थे, लेकिन आपने टैक्स से बचने के लिए आपने कम बर्गर बनाना शुरू कर दिए, आपका कर्व जो है लेफ्ट पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये राइट है और ये लेफ्ट, आपका कर्व शिफ्ट हो गया लेफ्ट पे, आपकी सप्लाई कम हो गई, आप 6 से 4 आ गए, प्राइस सेम है, प्राइस इज कॉन्स्टेंट हेयर, ठीक है। तो आपने कम बना, अब टैक्सेस कैसे, अच्छा आप सेकंड पे आ जाएं, सब्सिडीज की बात कर लेते हैं, कलर चेंज कर देती हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, सब्सिडीज। अच्छा आपका सप्लाई कर्व ठीक, और आप जो है 6 बर्गर ही बना रहे हैं 500 की प्राइस पे, आपके कर्व का नाम है S1, यहाँ पे आप मेजर कर रहे हैं प्राइस, यहाँ पे आप मेजर कर रहे हैं क्वांटिटी सप्लाई। अच्छा अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई, गवर्नमेंट ने कहा कि ज़्यादा बिजनेस को बूस्ट देना चाहिए, बिजनेस ज़्यादा होने चाहिए पाकिस्तान में या कराची में। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो है बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, लोगों में अट्रैक्शन लाने के लिए अब क्या करते हैं, जो बिजनेस वाले लोग हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी के बिल में जो है हम 20% जो है डिस्काउंट देंगे, जो भी उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो 20% कम पे करेंगे। अच्छा तो लोगों ने बोला, अच्छा प्रोड्यूसर जो बर्गर बनाने वाले थे उन्होंने कहा अच्छा सही है, यहाँ पे उनकी कॉस्ट, ये क्वांटिटी, कॉस्ट कर्व, ठीक है, कॉस्ट कर्व आ गया उनका। उन्होंने बोला पहले उनको ये कॉस्ट आ रही थी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये इतना प्रोड्यूस कर रहे थे, अब क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो उनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, मज़ीद कम हो जाएगी, ठीक है। क्वांटिटी अगर वो Q1 से Q2 पे आते हैं इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई हमें वैसे ही कम पैसे पे करने पड़े हैं बिजली के बिल पे, तो हम क्या करते हैं अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं, हमें सब्सिडी मिल रही है, हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वो 6 से 8 बर्गर्स पे आ गए, ठीक है, 6 से 8 बर्गर पे जब वो आ गए तो सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, S1 से S2 पे आ जाएगा, ठीक है। आपका सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया, पहले क्या हुआ था लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ था, आप किस पे हो गया राइटवर्ड, क्योंकि आपकी सप्लाई 6 से 8 हो गई, सप्लाई इंक्रीज हो गई, अगेन प्राइस इज कॉन्स्टेंट हेयर, प्राइस यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, ₹500 ही है, लेकिन अदर फैक्टर की वजह से सब्सिडी, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स को जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उसकी वजह से आपकी सप्लाई जो है वो क्या हो रही, बढ़ रही है, ठीक है। आई होप कि आपको ये फैक्टर समझ में आएगा टैक्सेस एंड सब्सिडीज का, ठीक है। अच्छा उसके बाद चलते हैं ग्राफ्स की तरफ, आप ग्राफ्स को देख लीजिए कि ग्राफ्स हमें क्या कह रहे हैं, एक सम अप कर दिया मैंने इन सबको, अब देखें आप। अच्छा इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई में कहाँ शिफ्ट हो रहा है कर्व आपका, देख लीजिए S1 से S2 पे आ रहा है, ठीक है, प्राइस क्या है कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और अदर फैक्टर्स की वजह से शिफ्टिंग हो रही है, इंक्रीज इन सप्लाई, अदर फैक्टर्स की वजह से आपका कर्व शिफ्ट हो रहा है जबकि प्राइस आपकी कॉन्स्टेंट है। और यहाँ पर देखें आपकी सप्लाई यहाँ पे भी इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंड हो रही है आपकी सप्लाई, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे नाम देते हैं सप्लाई की एक्सपेंशन का, क्योंकि प्राइस की वजह से जो है वो सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हमारी सप्लाई फॉर एग्जांपल इंक्रीज हो रही है, तो मूवमेंट अलोंग द कर्व पे पहले हम 1 पॉइंट पे थे, जैसे ही हमारी सप्लाई बढ़ी एक्सपेंड हुई हम 0.2 पे चले गए, लेकिन मूवमेंट सेम कर्व पे, कोई कर्व वाला शिफ्ट नहीं हुआ, ना राइटवर्ड ना लेफ्टवर्ड, ठीक है।
प्राइस के बढ़ने की वजह से हमारी सप्लाई बढ़ गई. क्यों सप्लाई बढ़ गई? क्योंकि हमने बताया था कि प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है. डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब कि एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज हो जाएगी. इसलिए प्राइस इंक्रीज हुई, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई. तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन. क्योंकि प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है तो इसको एक्सपेंशन बोलेंगे. यहाँ पे अदर फैक्टर की वजह से आ रहा है इसलिए हम इसको बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, और आपका सप्लाई कर्व शिफ्ट भी कर रहा है. सेकेंड देख लीजिए, डिक्रीज इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई आपकी डिक्रीज हो रही है, जैसे कि मैंने टैक्सीज की एग्जाम्पल दी थी, तो आपका कर्व शिफ्ट हो रहा है. एस ठीक है, ये देखें आपका कर्व यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ चला गया. क्वांटिटी आपकी, आपने सप्लाई करना कम कर दी, ठीक, क्योंकि अदर फैक्टर की वजह से प्राइस कॉन्स्टेंट है, अदर फैक्टर की वजह से आपकी क्वांटिटी जो है क्या हो गई, कम आप सप्लाई करें. और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे भी आप क्वांटिटी कम ही सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है. इसलिए यहाँ पे अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है, तो प्राइस कम होगी तो ऑब्वियस से बात है क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे प्राइस कम हुई, P2 से हम P1 पे आए, ठीक है, तो क्या हुआ, क्वांटिटी सप्लाई भी हमारी कम हो गई. तो हम उसे क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई. आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट के इंक्रीज का क्या मतलब है और एक्सपेंशन का क्या मतलब है, डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, कब हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट करता है, कब जो है वो एक ही कर्व पर मूवमेंट होती रहती है. ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी. अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर पूछिए. और बाकी जो थोड़े बहुत टॉपिक्स रह गए हैं वो हम लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.